हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन क्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री क्लास 12th की मैं आपको जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें जो चैप्टर है क्लास 12th का वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट है, इसमें आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम। यानी जो क्यूबिक सिस्टम है आखिर उसमें कितना एटम का वॉल्यूम उसके अंदर ऑक्यूपाइड होगा, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये पांच तरह के होते हैं स्टूडेंट, तो पार्ट्स ऑफ द एटम यानी एक तरह का एटम का वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि पर यूनिट सेल में कितना होगा, और जो यूनिट सेल होता है वो क्यूबिकल शेप में, कौन से शेप में, क्यूबिकल शेप में। तो ये पांच तरह का, एक तो होता है क्यूबिक यूनिट सेल, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक और एक होता है एज सेंटर्ड क्यूबिक। पांच तरह के है इसमें स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्यूबिक सेंटर में बिल्कुल सिंपल सा है स्टूडेंट, जैसे कि आप ये समझ लीजिए क्यूब है, ये सिंपल सा ये क्यूब है, आप इनके कॉर्नर आप देख रहे हैं, टोटल कॉर्नर कितने इसमें आठ कॉर्नर है। हर एक कॉर्नर में जो पूरा एटम का 1/8 पोर्शन, ये देखिए लिखा ना 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट इसके अंदर ऑक्यूपाइड होगा। तो टोटल हमारे जो कितने हैं ऑक्यूपाइड कॉर्नर आठ है, और एक पार्ट में कितना एटम होता है 1/8। तो 1/8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम हमारे कितना है कि 1। तो यानी कि क्यूबिक यूनिक सेल जो होगा उसमें जो एटम का वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड करेगा वो करेगा केवल 1 एटम, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट हमारा है दैट इज बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड आप फिर कोई देख रहे क्यूब है, कॉर्नर वाले तो हमारे पूरे पूरे होंगे, ये देखिए आप कॉर्नर वाले देख रहे हैं 1/8 वाले एटम, ये तो पूरे पूरे देखिए आठ आपको कोने वाले दिख रहे हैं, ये तो होंगे होंगे, ये देखिए 1/8 × 8 कर दिया। लेकिन एक पूरा पूरा एटम बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, तो अंडरस्टूड 1 एटम ये हो गया और 1/8 से एक एटम, तो 1+1 यानी 2 एटम, तो टोटल हमारे 2 एटम, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक में हमारे 2 एटम्स। ये देखिए हमने दिखाया एक सेंटर में दिखाया और एक ये 1/8 वाला कॉर्नर में बना हुआ, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट जो है दैट इज नोन एज फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड आपको बताए, पहले फेस आपको बता दें, देखिए सपोज कि ये क्यूब है तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 छह फेस होते हैं और हर एक फेस में एक एक एटम, देखिए एक फेस मान लीजिए कंसीडर किया और इसमें एक एटम है, तो एक एटम का आधा वॉल्यूम बाहर होगा आधा ही अंदर होगा। तो यानी कि टोटल हमारे जो कितने एटम इसमें फेस में अटैच है छह, अभी मैंने बताया, तो 6 के 1/2 एटम ही इसके यूनिट सेल के क्यूब के अंदर आएंगे, तो 1/2 एटम अंदर आ गए और बाकी कॉर्नर के तो आपको दिख ही रही है, ये कॉर्नर वाले 1/8 एटम ये हो गए, तो 1/8 × 8 1 एटम ये हो गया और 1/2 कितने टोटल हमारे फेसेस कितने 6 है, तो 1/2 × 6 ये निकाल के करा, तो यानी कॉर्नर वाले एटम और फेस वाले एटम दोनों मिला के 1+3 = 4 एटम्स हमारे गए, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल हमारे 4 एटम्स इसमें ऑक्यूपाइड हो गए वॉल्यूम वाइज, ठीक है। अगला फोर्थ वाला है एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर बोला यानी कि अगर कोई क्यूब है तो क्यूब का एक फेस ये ले ले, एक फेस केवल दो फेस देखे दिए, एक ऊपर वाला फेस ले एक नीचे वाला, बाकी फेस देखे सब अनऑक्यूपाइड है, बाकी फेस में कोई नहीं है, तो एक फेस ऊपर तो एक एटम जब रखेंगे तो आधा एटम बाहर होगा आधा अंदर होगा, ऐसे दूसरे फेस में एक एटम को तो आधा बाहर, यानी कि जो फेसेस में हमारा होगा 1/2 एटम होंगे केवल, तो 1/2 के कितने 2 होंगे, और जो ये कॉर्नर वाले जो एटम है ये तो 1/8 हमारे बिल्कुल बने ही होंगे, तो यानी कि 1/8 × 8 एक तो ये हो गए कॉर्नर वाले एटम, ठीक है, और ये 1/2 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया ये 1 ईयर, तो 1+1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड जो इसमें एटम होंगे वॉल्यूम 2 एटम का ऑक्यूपाइड एटम होंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला एक और होता है स्टूडेंट, आप ये देखिए एजेस देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये एजेस कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं एजेस। तो क्यूब अगर एज में एक एटम है आप समझ सकते हैं, तो वो एटम का केवल 1/4 इसके अंदर होगा, बाकी 3/4 बाहर की तरफ होगा, यानी कि एक एज में अगर एक एटम यहाँ पे अगर सेंटर्ड होगा यहाँ पे लोकलाइज होगा एक एटम, तो उसका केवल 1/4 हिस्सा अंदर होगा बाकी 3/4 बाहर की तरफ होगा। तो ये देखिए 1/4 ये है तो ये टोटल 12 है, तो 12 है तो यानी 1/4 को हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एजेस होते हैं, तो 1/4 पार्ट ऑफ द एटम हो गया एंड 12 इट इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एजेस हो गए, तो एजेस को 12 से मल्टीप्लाई करके, और कॉर्नर वाले तो एटम आप जानते हैं 1/8 वाले तो हैं ये तो टोटल, तो 1/8 × 8 यानी 1 एटम यहां मिला एंड 1/4 × 12 यहाँ पे 3 यहाँ मिला, तो 3+1 यानी कि = 4 यानी 4 एटम्स हमारे जो अगर एज सेंटर्ड क्यूबिक होगा तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम होगा वो 4 एटम होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्योमेट्रिकल आपको समझ आइए, एक मैंने आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला भी दे दिया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइड इन यूनिट सेल = 1/8 × नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड कॉर्नर वाले एटम का हो गया प्लस 1/4 आप समझ लेंगे ऑक्यूपाइड इन एज, एजेस में जो होते 1/4 एटम होते हैं, देखिए है ना ये एजेस वाला ले लिए और फिर प्लस लगाया फिर 1/2 ये 1/2 हाफ है कितना नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड, क्योंकि एक फेस में हमारे कितने होते 1/2 एटम्स, तो ये फेस वाला ऑक्यूपाइड फेस हो गया
नंबर टू, अब प्लस वन इंटू वन यानी कि बॉडी के अंदर, ये देखिए बॉडी के अंदर है तो वन इंटू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड बॉडी सेंटर, क्योंकि बॉडी सेंटर में अगर एक एटम है तो एक लेंगे, अगर बॉडी के अंदर दो एटम है तो हम दो लेंगे, तो यहाँ ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइड बाई यूनिट्स है, यानी जो क्यूबिकल शेप यूनिट्स है इसमें कितने हमारे एटम का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो हम नंबर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक आज आपको ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉर नोटिफिकेशन बेल आइकन नेचुरल दबा दीजिएगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके नोट्स बिल्कुल ऐसे करके बनाइए, और जो स्टूडेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट मुझसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।